Who will cry when you die? ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन ये सवाल उतना आसान नहीं जितना ये दिखता है। ये इसके बारे में नहीं है कि कितने लोग आपके फ्यूनरल पे आएंगे या कितने लोग एक्चुअली में रोएंगे जब आप मरेंगे, ये इसके बारे में कि आप अपने मरने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ते हैं। ये एक बहुत अलग तरीका है ज़िंदगी को देखने का। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को एक रेस की तरह देखते हैं, स्टार्ट से फिनिश लाइन तक, लेकिन ये एक नज़रिया है अपनी ज़िंदगी के अंत को देखने का और फिर उस पॉइंट से समझने का कि आपने अपने प्रेशियस टाइम के साथ इस धरती पे क्या किया है। यही आइडिया रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलिंग बुक जिसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। और इस बुक में ऑथर हम लोगों को 101 शॉर्ट लाइफ लेसन्स देते हैं जो हमें हेल्प करता है अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से जीने में। अब क्योंकि ये इतने सारे लेसन्स हैं, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 9 पॉइंट्स दूंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और बाकी पॉइंट्स के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। एक बार एक बहुत बुढ़े आदमी को एक हॉस्पिटल रूम में लाया गया था जहाँ पे एक और पेशेंट था और उस पेशेंट का बेड विंडो के जस्ट बगल में था। अब इन दोनों की बहुत ही जल्दी दोस्ती हो गई और जो विंडो के बगल वाला इंसान था वो हमेशा इस बुढ़े आदमी को बताता रहता था कि विंडो के बाहर क्या चल रहा है, कैसे बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, कैसे पेड़ दिखते हैं, एट्सेट्रा। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस बुढ़े आदमी को जलन होने लगी उस आदमी से कि वो विंडो के बाहर देख सकता है, और धीरे धीरे वो उस आदमी से नफरत करने लगा। एक दिन जब विंडो के बगल वाले आदमी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी और उसको डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, तो बुढ़े आदमी ने किसी को हेल्प के लिए नहीं बुलाया और वो आदमी अनफॉर्चुनेटली मर गया। उसके मरने के बाद उस बुढ़े आदमी ने स्टाफ से कहा कि प्लीज़ मुझे विंडो की तरफ शिफ्ट कर दो। अब जब वो विंडो के बगल में पहुंचा तो उसको रियलाइज़ हुआ कि विंडो के बाहर तो कुछ था ही नहीं, वहां पे सिर्फ एक ब्रेक वॉल थी। उसका दोस्त एक्चुअली उसको और पॉजिटिव रखने की कोशिश करता था, इसलिए वो कहानियाँ बनाता था कि विंडो के बाहर क्या चल रहा है। अब ये स्टोरी हमें याद दिलाती है कि हम जब भी अपना पर्सपेक्टिव खो देते हैं तो हम लोग बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। काफ़ी बार हम लोगों की प्रॉब्लम्स हमें बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन असलियत में दुनिया के पर्सपेक्टिव से वो बहुत ही छोटी होती हैं। अगर आप पूरे यूनिवर्स को देखें तो हमारा प्लैनेट अर्थ भी बहुत छोटा लगने लगता है, और उसके कंपैरिजन में हमारी प्रॉब्लम्स और ही छोटी हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको टफ लव प्रैक्टिस करना होगा। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आप जितना टफ होते हैं अपने साथ, उतना ही लाइफ आपके लिए और आसान होती है। टफ लव का बेसिकली मतलब होता है कि आप स्ट्रॉन्ग और क्लियर बाउंड्री रखते हैं अपने साथ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, और फिर आप इस बात की गारंटी करते हैं कि आप वो काम करके रहेंगे। बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी होती है सक्सेसफुल लोगों के बारे में, और यह है कि सक्सेसफुल लोगों का हमेशा मन करता है वो काम करने का जो वो कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेसफुल लोगों की बस ये आदत होती है कि वो अपना काम कर लेते हैं चाहे उन्हें मन करता है या नहीं। काफ़ी लोग जब वो सुबह में उठते हैं तो वो सोचते हैं कि यार मेरा मन क्या कर रहा है आज करने का, या मजबूरी में उन्हें क्या करना पड़ेगा। लेकिन सक्सेसफुल लोग वही काम करते हैं जो उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में उनकी मदद करेगा, चाहे उनका मन कर रहा वो काम करने का या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप एन ऑनेस्टी पॉलिसी। हम सब लोगों ने बचपन में ये कहावत सुनी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये बात इतनी बार सुनी है कि इसकी सारी मीनिंग चली गई है। तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ। तो पहली बात तो ये कि ज़्यादातर लोग बड़े झूठ ज़्यादा बोलते नहीं हैं। बड़े झूठ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर उन छोटे झूठ की जो हम सब लोग अपने आप को बताते हैं और दूसरे लोगों को भी बताते हैं। हर बार जब आप बोलते हैं कि मैं कल से और हेल्दी खाना खाऊंगा और आप वो नहीं करते, तब आप अपने आप से एक छोटा झूठ बोल रहे हैं जो आपके लिए बहुत डेंजरस होता है। तो अब अपने आप से झूठ बोलने की आदत को तोड़ना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। तो रॉबिन शर्मा रेकमेंड करते हैं कि आप एक 7-day ट्रूथ फास्ट ट्राई करें। इसमें आप 7 दिन के लिए हर किसी से सच बोलेंगे, अपने आप से भी, और अपने आप को पकड़ेंगे जब भी आप कोई छोटा झूठ बोल रहे हो। ये पॉइंट मुझे जॉर्डन पीटरसन का भी रूल याद दिलाता है, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। नेक्स्ट लेसन है रिक्रूट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनीज में काफ़ी बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उनको सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। हर बोर्ड मेंबर का कोई ना कोई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होता है और वो सारे लोग मिल के कंपनी को सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। अब ऑब्वियसली हम सब लोग कंपनीज नहीं रन कर रहे हैं और हम लोग की ज़िंदगी भी एक कंपनी की तरह नहीं होती है, लेकिन तब भी एक तरीका है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यूज़ करने का, और वो है अपने दिमाग से। आपको एक बहुत डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में जाना होगा। आप चाहें तो आप 10 मिनट मेडिटेट कर लीजिए और फिर मेंटली अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करिए। और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग जिंदा होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपके दिमाग में है। तो फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप स्टीव जॉब से एडवाइस ले रहे हैं कि
कि आप अपनी कंपनी में इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, या आप गांधी जी से बात कर रहे हैं एक मूवमेंट बिल्ड करने के बारे में। अब ये पॉइंट हमें हमारे दिमाग के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता है। कोई भी आंसर जो आपको अपने मेंटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलता है वो एक्चुअली आपके दिमाग से ही तो आ रहा है। आपने बस ये किया कि आपने इमेजिन किया कि स्टीव जॉब्स या गांधी जी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, और आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स देने लगा। तो अल्टीमेटली आपके दिमाग के पास सारे आंसर्स हैं, आप बस उनको अनलॉक कर रहे हैं अपने मेंटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यूज़ करके। नेक्स्ट चीज़ है गो ऑन अ न्यूज़ फास्ट। अब ये बुक 20 साल पहले पब्लिश हुई थी, लेकिन ये पॉइंट आजकल और भी ज़्यादा रेलिवेंट है। आजकल ज़्यादातर लोगों को न्यूज़ का एडिक्शन है। आप देखेंगे कि कैसे एक न्यूज़ स्टोरी आती है और फिर आपको दिन भर हर एक घंटे उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लोग आजकल न्यूज़ देखते रहते हैं कि कितने केसेस हुए हैं उनके शहर में एट्सेट्रा। हम लोगों को हर नेगेटिव चीज़ पता चल जाती है जो इस दुनिया में हो रही है, और हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन कभी ना कभी हमें रुक के अपने आप से पूछना होगा कि क्या सही में हमको इसका कोई बेनिफिट मिल रहा है। रॉबिन शर्मा रेकमेंड करते हैं एक न्यूज़ फास्ट। तो एक हफ्ते के लिए आपको कोई भी न्यूज़ देखनी नहीं है, ना ही पढ़नी है। एक हफ्ते बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप एक्चुअली और कम इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, और आपको ज़्यादातर इंटरेस्टिंग चीज़ें लोगों से बात करके पता ही चल जाएंगी। लेकिन आप ये भी नोटिस करेंगे कि आपके अंदर स्ट्रेस कम हो जाएगा और आप फोकस और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आपको कभी भी न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपको और इंटेंशनल होना चाहिए कि आप कब और कैसे न्यूज़ देखते हैं। मेरे लिए बेस्ट बैलेंस ये रहा है कि मैं बस अपने कान खुले रखता हूँ कि लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर हफ्ते में एक या दो बार मैं बस बैठ के उसके अंदर और इन डेप्थ रिसर्च कर लूँगा। इस तरीके से मेरी इन्फॉर्मेशन यूजुअली और लोगों से ज़्यादा भी हो जाती है, और मुझे डेली स्ट्रेस भी नहीं झेलना पड़ता है नेगेटिव न्यूज़ का। नेक्स्ट पॉइंट है राइट अ लेगेसी स्टेटमेंट। जब बहुत ग्रेट लोग मरते हैं तो वो अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ जाते हैं। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, स्टीव जॉब्स, इन सब लोगों ने अपनी एक लेगेसी छोड़ रखी है। और ये पॉइंट मुझे काफ़ी सिमिलर लगता है एक दूसरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट आइडिया से, जो कहता है कि हमें अपनी खुद की फ्यूनरल स्पीच लिखनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में बोलें जब आप मर जाएंगे? एक बार जब आप ये लिख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी का पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका लेगेसी स्टेटमेंट है कि मैं अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ और मैं लोगों को गरीबी से निकालना चाहता हूँ। तो अब आप देखते हैं कि आपके एक्शंस इस स्टेटमेंट से अलाइन करते हैं या नहीं। क्या आप अपना पूरा दिन सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स पे वेस्ट कर रहे हैं? तो ये आपकी लेगेसी में आपको कैसे मदद करेगा? इस बुक में ऑथर हमें बताते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने पहले 50 साल ज़िंदगी के अपनी लेजिटिमेसी बिल्ड करते हैं, जिसका मतलब है बहुत सारे पैसे कमाना, बड़ा घर खरीदना एट्सेट्रा, और फिर उसके बाद ही वो अपनी लेगेसी पे फोकस करते हैं जब वो ये समझ जाते हैं कि कुछ मिसिंग है उनकी लाइफ में। लेकिन हमें इतनी देर तक वेट नहीं करना चाहिए अपनी लेगेसी बनाने के लिए। हमें जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी शुरू करना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ के एंड में रिग्रेट ना करें कि आपको और पहले शुरू कर देना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट है बी मोर देन योर मूड्स। आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना है कि यार मुझे ये करना तो है लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है? इसको बोलते हैं अपने मूड्स का गुलाम बनना। काफ़ी लोग ऐसे ऐड करते हैं जैसे उनका मूड उनके कंट्रोल में नहीं है, और वो वेट करते हैं कि उनका मूड सही हो जाएगा तब वो कुछ काम करेंगे। लेकिन रियलिटी तो ये कि आप अपने मूड्स कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि आपको अपना काम नहीं करने का मन कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका मूड बुरा रहेगा और आपको वो करने का नहीं मन करेगा। लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ें सोचें कि आपके काम से आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, तो हो सकता है आपका मूड इम्प्रूव हो जाए। लेकिन अगर आपका मूड तब भी इम्प्रूव ना हो और आपको लग रहा हो कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये कोई बहाना नहीं बनना चाहिए काम ना करने के लिए। आपको हमेशा अपने मूड से ज़्यादा होना चाहिए। आपको जो काम करना है वो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन कर रहा हो या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है बी हम्बल। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग बहुत ज़्यादा हम्बल भी होते हैं। अब हाँ, हो सकता है आपको कभी कभार कोई अमीर और सक्सेसफुल इंसान मिल जाए जो बिल्कुल भी हम्बल ना हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जिन्होंने लेगेसी छोड़ी है वो किसी ना किसी तरीके से हम्बल रहे हैं। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि ह्यूमिलिटी का बस ये मतलब है कि आपको एक्ट करना है जैसे आप दूसरे लोगों की तरह हैं। ह्यूमिलिटी का ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अमीर हैं लेकिन आप एक्ट करते हैं जैसे आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप हम्बल नहीं हो रहे हैं और आप किसी को बेवकूफ़ भी नहीं बना रहे हैं। हम्बल होने का असली मतलब है अपने ईगो को छोड़ देना। इसका मतलब है कि आप रियलिटी को एक बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से देखते हैं, और आपको पता होता है कि आपके सक्सेस और आपके फेलियर्स आपके माइंडसेट, हार्ड वर्क और थोड़े से लक का रिजल्ट हैं, और सिर्फ इसकी वजह से आप दूसरे लोगों से सुपीरियर नहीं हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है री राइट योर लाइफ स्टोरी।
अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी वैसी नहीं हुई जैसे आपने प्लान करी थी, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है कि आप रीराइट कर सकते हैं अपनी जिंदगी की कहानी। चाहे आपके पास में जो भी हुआ आपके साथ, आपका फ्यूचर पूरी तरीके से खुला है। अगर आप डिसाइड करें तो आप अपनी पर्सनैलिटी और अपने हैबिट्स के बारे में हर चीज आज ही बदल सकते हैं। क्वेश्चन ये नहीं कि आप ये कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि करोड़ों लोगों ने दुनिया भर में ये काम ऑलरेडी किया हुआ है। सवाल ये है कि आप रेडी हैं या नहीं ये काम करने के लिए, कि आप सही में रेडी हैं अपनी लाइफ स्टोरी को फिर से रीराइट करने के लिए।